हेलो मामा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और नीचे घंटी को दबा दें। हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को एक बात की चिंता सबसे ज्यादा सताती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे सभी वीडियोस देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें जो आमतौर पर आपके लिए सेहतमंद होती हैं, आपके लिए अच्छी होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए? आपकी मदद करने के लिए ही इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पपीते से। क्या प्रेगनेंसी में पपीता खा सकते हैं? गर्भावस्था में पपीता खाने को लेकर ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन में रहती हैं, क्योंकि उन्हें पपीता खाने से मना किया जाता है। असल में कच्चे और अधपके पपीते में लेटेक्स नाम का एक पदार्थ होता है, लेटेक्स नाम का एक तत्व होता है जो आपके यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर सकता है, आपके गर्भाशय में संकुचन शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का और मिसकैरेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में कच्चा और अधपका पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की सलाह से आप पूरी तरह पका हुआ, अच्छी तरह पका हुआ पपीता खा सकती हैं। दोस्तों, क्या गर्भावस्था में कच्चा दूध पी सकते हैं? कई लोग ये मानते हैं कि कच्चा दूध पीने से उनका बच्चा गोरा होगा, लेकिन आप गर्भवती महिला को किसी भी हाल में बिना उबला हुआ या कच्चा दूध ना दें, क्योंकि इस दूध में डायरिया और टीबी जैसे रोगों के कीटाणु या वायरस हो सकते हैं जो माँ और बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिला को हमेशा अच्छी तरह उबालकर और ठंडा करके ही दूध पिलाएं। क्या प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल खाना चाहिए? क्या प्रेगनेंसी में अनानास खाना सेफ है? दोस्तों, आपको गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रोमेलिन नाम का एक तत्व होता है जिससे आपका मिसकैरेज होने की आशंका बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरे होने के बाद भी आपको पाइनएप्पल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्योंकि इससे समय पूर्व प्रसव यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो सावधानी के तौर पर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल को अवॉइड करें या पाइनएप्पल ना खाएं। क्या प्रेगनेंसी में आप मछली खा सकती हैं? दरअसल प्रेगनेंसी में मछली खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ज़्यादातर फिशेस प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई जैसी चीज़ों से भरपूर होती हैं जो बेबी के हेल्दी डेवलपमेंट में बहुत मदद करती हैं। लेकिन आपको गर्भावस्था के दौरान ऐसी मछलियाँ नहीं खानी चाहिए जिनमें मर्क्यूरी कॉन्टेंट यानी पारे की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, क्योंकि पारा बेबी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और उसके दिमागी विकास को रोक सकता है। ज़्यादा मर्क्यूरी कंटेंट वाली मछलियों में ज़्यादातर मांसाहारी मछलियाँ जैसे शार्क, टूना, किंग मैकरेल आदि शामिल हैं। इसीलिए आप कम पारे वाली मछलियाँ खाएं, यानी ताज़े पानी की शाकाहारी मछलियाँ खाएं जो आपके लिए पौष्टिक भी रहेंगी और बेबी के लिए सेफ भी रहेंगी। क्या प्रेगनेंसी में मीट खा सकते हैं? जी हाँ, आप अच्छी तरह से पका हुआ मीट प्रेगनेंसी में ज़रूर खाएं, क्योंकि ये प्रोटीन, कई तरह के मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है जो आपके और आपके बेबी के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आपको कच्चा या अधपका मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं जो आपको टॉक्सोप्लाज्मा नामक बीमारी दे सकते हैं। इस बीमारी की वजह से आप अंधेपन और मानसिक परेशानियों के शिकार हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये बीमारी आपसे आपके बच्चे में भी जा सकती है। इसीलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी तरह से कुक्ड मीट ही खाएं। क्या प्रेगनेंसी में आप स्मोकिंग कर सकते हैं? क्या प्रेगनेंसी में आप सिगरेट पी सकते हैं?
तो इसका जवाब आप जानते ही होंगे, हम फिर भी बता देते हैं। जी नहीं, आपको प्रेगनेंसी में किसी भी हाल में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल होते हैं जो बेबी की ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, जिससे बेबी के हेल्दी डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है और वो कई तरह की दिमागी बीमारियों का शिकार हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आप खुद तो सिगरेट बिल्कुल ना पिए, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है या आपके पति सिगरेट पीते हैं तो उन्हें भी छोड़ने के लिए कहें। अगर वो सिगरेट छोड़ नहीं सकते हैं तो उन्हें घर से बाहर जाके सिगरेट पीने के लिए कहें। क्या प्रेगनेंसी में शराब पी सकते हैं? जी नहीं, आपको प्रेगनेंसी में शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें अल्कोहल नाम का एक केमिकल होता है जो आपके ब्लड में घुल जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका बेबी आपके ब्लड से ही सारा न्यूट्रिशन पाता है, ये अल्कोहल आपके ब्लड के जरिए बेबी की बॉडी में जा सकता है, जिससे उसकी सीखने और सोचने समझने की शक्ति घट सकती है, यानी उसका दिमागी विकास बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी में शराब बिल्कुल भी ना पिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, जैसे कि चौक, कोयला, राख, मिट्टी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को ये सभी चीज़ें खाने का मन करता है, जिसे पाइका सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आपको भी ऐसा मन करता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो सकता है, ऐसे में वो आपको विटामिन्स और न्यूट्रिशन की गोली देके इस सिंड्रोम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का सेवन लिमिटेड क्वांटिटी में यानी सीमित मात्रा में करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है अदरक। अदरक की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए आपको इसे लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, वरना आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक तो बिल्कुल ना खाएं। चाय या कॉफ़ी, प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन यूं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है जो आपके बेबी को कमज़ोर बना देता है और मिसकैरेज का खतरा भी पैदा कर देता है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी या चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती हैं तो आप एक या दिन भर में एक कप चाय या कॉफ़ी पी सकती हैं। कटहल यानी जैकफ्रूट, प्रेगनेंसी के दौरान आप यूं तो जैकफ्रूट खा सकते हैं, लेकिन आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आप कटहल ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और यह आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तब भी कटहल लिमिटेड क्वांटिटी में यानी सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि इसके फाइबर आपको कब्ज की समस्या से परेशान कर सकते हैं। बैंगन, गर्भावस्था के दौरान आपको बैंगन का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपका मिसकैरेज करवा सकते हैं। सबसे आखिरी में हम बताना चाहेंगे तिल के बारे में। तिल की तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए आपको तिल बहुत ही सीमित मात्रा में खाने चाहिए। अगर आप चाहें तो सावधानी के तौर पर गर्भावस्था में तिल बिल्कुल भी ना खाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी चीज़ों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें तभी आप अच्छी तरह स्वस्थ रह पाएंगे और मस्त रह पाएंगे। साथ ही साथ इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आज के वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली हो तो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही हमें कॉमेंट में बताइए कि आप अगले वीडियोस किन टॉपिक्स पर देखना चाहेंगे, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर ला सकें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे सभी वीडियोस देख पाएं सबसे पहले। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।